हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अवनी और मीरा लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि मीरा जो होती है वो कहती है अपनी बहन को, सानिया मेरी बहन है और मेरे साथ ही रहेगी। तो उसकी दादू कहती, सॉरी नानू कहती, अच्छा जी अगर तुम्हें इतने ही बहन का याद आ रहा है तो शायद तुम भूल रही हो वो कमली जो तुम्हारी है उसमें सानिया का भी हक है ना। तो सानिया कहती, क्या नानो क्या बोल रहे हो आप, मीरा दी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। तो मीरा ऐसे सानिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी जान वो तुम्हारा हक है, जितना हक उस कंपनी में मेरा है उतना तुम्हारा भी, और तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा, आई प्रॉमिस। तो सानिया कहती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी उस कंपनी को आपकी ज़रूरत है, उस कंपनी को जिस मकाम पे आपने पहुँचाया उसे और कोई नहीं पहुँचा सकता था, उस कंपनी के असली ओनर आप और आप ही रहोगी। तो उसकी नाना कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम चाहती हो कि सानिया तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर सानिया के नाम करने होंगे। तो मीरा हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात में पूरी कंपनी नाम कर दो नानो, प्लीज़ अभी घर चलें। तो उसकी नाना कहती है कि हम उस घर में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है कि वहाँ के हर एक नौकर तुम्हारे बाप का वफादार है। तो मीरा कहती है, हाँ आप ठीक कह रही हो, तो फिर ठीक है मैं कुछ अरेंज करती हूँ। तो मीरा ऐसे कह के किसी को कॉल करती है और एक घर अरेंज करती है, और तब तक ये लोग जो होते हैं एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो सानिया जो होती है उसे काफ़ी भूख लगी होती है, वो कहते हैं कि मीरा दी सच कहूँ तो बहुत भूख लगी है। मीरा कहती है, एक सेकेंड तुम मुझे ये दी किस खुशी में कह रही हो, हाँ तुम्हें पता है ना हम ट्विंस हैं, तो ना तुम दियो ना मैं दियो, हम दोनों इक्वल हैं, तो तुम मीरा बोलो। तो सानिया कहती है, सच कहूँ तो मीरा बोलना अच्छा नहीं लगता, आई मीन मीरा मैम की आदत है ना। तो मीरा हंसती है, कहती कोई मैम शैम नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो मीरा ही बोलो। सानिया कहती ओके मीरा, तो ऐसे बोल के स्माइल कर दिया। तो मीरा ऐसे सानिया के हाथ कैसे अपने हाथ में लेके ऐसे टाइटली बैठी रहती है, काफ़ी देर तक ऐसे उसे देखती रहती है। तो सानिया कहती है कि क्या हुआ आप ठीक हो? मीरा कहती कि यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरे साथ है, पता है मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो मीरा ऐसे कह के सानिया के हाथ में किस करती है। तो सानिया कहती है, जितनी आप खुश हो उससे डबल खुश मैं हूँ, पता है मुझे तो पता भी नहीं था मेरी कोई बहन है, बट मैं शुरू से कहती थी मुझे एक बहन चाहिए, मुझे एक बहन चाहिए, एंड फाइनली मुझे मेरी बहन मिल गई, वो भी मेरी खुद की सगी बहन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब ने कहती, अरे 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 दोनों की खुशी समझ में आती है, लेकिन इस खुशी में मुझे मत भूलो यार, मैं भी हूँ। तो हमने इसके कि हंस दिया। तो मीरा और सानिया जो होते हैं उसे अपनी कभी हाथ से रख लेते हैं, कहते हैं हाँ यू नो आप भी हो। तो उसके बाद ये तीनों जो होते हैं हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन नानो अभी मुँह फुला के बैठे होती हैं। तो सानिया कहती, प्लीज़ नानो बस भी करते, इस समय मीरा की कोई गलती नहीं है, ओके अब मीरा को ब्लेम करना आप बंद करें। तो ऐसे बोल रही होती है। तो उसकी नानो कहती है कि तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो सानिया कहती है कि कोई मैं छोटी नहीं हूँ, ओके, एंड बार बार मेरी बहन को ब्लेम करना बंद करे, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, एंड फाइनली इतने टाइम बाद हम मुझे मेरी फैमिली मिली है, प्लीज़ नानो मेरी खुशी को इस तरह बर्बाद मत करो। तो उसकी नानो कहती है, अब बहन मिल गई तो मैं तुम्हारी फैमिली नहीं रही? कहती ऑफ कोर्स नानो आप ही मेरी फैमिली हो, अरे मम्मा की बात एक आप ही तो थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो यार, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ओके आई लव यू, प्लीज़ ना नानो प्लीज़ मूड ठीक कर लो। तो तभी खाना जो होता है वो आ जाता है जो ऑर्डर किया था। उसके बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं इन दोनों को सेम चीज़ें पसंद होती हैं, मीरा को और सानिया को। तो मीरा जो उठाने लगती है, सानिया भी वही उठा रही होती है, तो मीरा हंसने लग जाती है, कहती है कि वैसे हमारी चॉइस सेम है हाँ। सानिया कहती है हाँ हमारी चॉइस बहुत सेम है। तो अम्मी कहती है हाँ होगी भी क्यों ना, तुम दोनों ट्विंस जो। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, कहते हैं हाँ वैसे मम्मी की भी ना सही हिम्मत थी, एक साथ दो दो बेटियाँ कर ली। तो मीरा हंसती है, कहती क्या तुम भी गंदी लड़की। सानिया कहती अरे क्या गंदी लड़की, मैं तो सही बात करूँ ना, वैसे अच्छे हैं, वैसे भी अकेली होती तो मैं बोर होती है, मेरे पास मेरी बहन तो है। तो ऐसे लोग मस्ती करते हुए खाना खाते हैं। तो तभी सानिया जो होती है वो कहती है कि वो मैं सोचूं कि मीरा कहती हाँ बोलो। सानिया कहती वो मैं कंपनी छोड़ दूँ, वो कहती क्या मतलब, अरे तुम कंपनी नहीं छोड़ सकती, उल्टा अब तो तुम्हें कंपनी का ओनर बनना है। तो सानिया कहती नहीं मुझे बिल्कुल नहीं बनना, और वैसे भी अगर मैंने कंपनी में कुछ भी शेयर लिए तो पापा को पता चल जाएगा कि तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी। तो मीरा कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ,
उस इंसान ने मेरी माँ के साथ जो किया सो किया, लेकिन अपनी बहन की तरफ उसे आँख उठा के मैं नहीं देखने दूँगी, समझी। तो सानिया कहती है कि लेकिन मुझे बहुत डर लगता है उनसे। मीरा कहती है कि रिलैक्स हो जाओ। सानिया कहती है मुझे पता नहीं था कि वो इंसान मेरा बाप है, लेकिन मैं नानों के मुँह से बहुत सुनी थी कि मेरे बाप इतना गंदा, उन्होंने ये किया वो किया, मैं नहीं चाहती कि उनकी नज़र मुझ पर पड़े। मीरा कहती मैं हूँ ना, तो मैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, एंड आई प्रोमिस जब तक मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, अब चलो शाबाश, रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से खाओ। तो इसके बाद ये लोग अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं। तो तभी मीरा कहते हैं कि चलें अब हमारे न्यू घर। तो सारे कहते हैं ओके। तो उसके बाद ये लोग अपने न्यू घर जाते हैं। तो सानिया वो घर देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती वाह यार ये घर कितना प्यारा है दी। तो कहती अरे फिर से दी। तो कहती अरे सॉरी 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 मीरा यार ये घर कितना ज़्यादा प्यारा है। तो मीरा कहती हाँ प्यारा तो होगा क्योंकि मेरी प्यारी सी बहन का जो घर है। तो सानिया कहती क्या, वो कहती हाँ। तो तभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं। तो मीरा कहती कि लो साइन करो। तो कहती अब मैं नहीं ले सकती है। मीरा कहती क्यों नहीं ले सकती मेरी जान, तुम्हारा हक है इन सब चीज़ों पे। तो कहती मुझे पापा का पैसा यूज़ नहीं करना, मैं नहीं लूँगी ये। तो मीरा कहती सही कहा था, हम दोनों सेम ही है। बाई द वे इसमें पापा का पैसा नहीं है, इसमें हमारी ही कंपनी का पैसा है, वो तो हमारा है ना, तो चलो साइन करो। तो कहती लेकिन, तो उसकी नानों कहती हाँ हाँ कर लो बेटा, ऐसे भी तुम्हें तुम्हारे हिस्से का ही दे रही है, वो अपना हिस्सा उठा के नहीं देगी तुम्हें, कर लो साइन। तो सानिया ऐसे नानों की तरफ घूर के देखती है। तो मीरा से सानिया कहती है रिलैक्स तुम साइन करो। तो सानिया जो होती है वो साइन करती है। तो मीरा कहती कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान, हक तो दे दो अपनी बहन को। तो मीरा ऐसे वहीं खोलती है। तो सानिया जो होती है उसे हक करती हो, कहती आई लव यू सो मच, क्यों मैं आपसे इतना टाइम दूर थी। तो मीरा कहती सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता था, पता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि कुछ कुछ कनेक्शन है हमारा। तो कहती हाँ मुझे भी फील होता था, बट मुझे लगता था कि मैं आपसे बात कैसे करूँ, आई मीन आप मेरी बॉस थी तब। तो मीरा कहती हाँ तब मैं बॉस थी, अब आप बन जाओ। सानिया हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी। मीरा कहती हाँ। तो अमनी कहती कनेक्शन तो फील हो गई, तुम दोनों टेंस हो। तो सानिया कहती हाँ शायद अमनी मैम ठीक कह रही हैं। तो अमनी कहती नो मैम सिर्फ अमनी बोलो मुझे। तो वो कहती हाँ वैसे मुझे आप दोनों से कुछ पूछना था। तो मीरा कहती हाँ पूछो। तो कहती वो तो नानो देख रही होती है, वो कहती बाद में पूछूंगी। तो मीरा कहती ओके अब घर देख लें। सानिया कहती ओके। तो ये लोग अच्छे से घर देख रहे होते हैं। तो उसकी नानो जो होती है हर चीज़ को देख रही होती है, कहती अच्छा है घर, अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो सानिया हंसते कहती क्या नानो आप भी। तो उसके बाद नानो कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो सोने चली जाती हैं। तो मीरा जो होती है वैसे अम्मी के पास बैठे होते हैं, ये दोनों बाहर टेबल में बैठे होते हैं। तो अम्मी कहती है अब तो खुश हो ना। मीरा कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वो खाम वखाई जाले सो रही थी, मैंने बोला था ना उसके साथ जो मुझे कनेक्शन फील होता है वो स्पेशल है, लेकिन तुम समझती नहीं थी। अम्मी कहती हाँ भाई मुझे क्या पता था, तुम खुश हो ना मेरे लिए इतना काफ़ी है। मीरा कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू, तुम्हारी वजह से तो मैं इंडिया में आई और अपनी सिस्टर और नानों से मिली। बहन का प्यार तो मुझे अब मिल जाएगा, लेकिन नानों का प्यार लेना बहुत मुश्किल है, पता है। मैं खुश थी जब पता चला वो मेरे नानो है, मुझे लगा माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, माँ की माँ का प्यार ही मिल जाएगा, बट वो भी मुझे प्यार नहीं करती, मेरी किस्मत ही ऐसी है ना। तो हमने ऐसे मीरा के बालों में से हाथ फेंक के कहते कि नहीं जान ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत लकी हो है ना, लकी हो तभी तो तुम्हें तुम्हारी बिछोड़ी बहन मिल गई, बहन का प्यार मिल गया है तो देखना नानों का भी मिल जाएगा। तो तभी वहाँ पे सानिया आ जाती है और कहती हाँ नानों का प्यार भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो मीरा कहती अरे सानिया आओ ना। तो मीरा ऐसे सानिया को अपने पास बिठाती है और कहती है लेकिन ऐसे नानों को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, नानों आपको बहुत प्यार करती हैं। वो कहती बस कुछ भी मत बोलो, मुझे पता है मुझे प्यार नहीं करती। तो कहती है अरे नहीं मैंने नानों को देखा था जब मैं उन्हें कहती थी ना कि मेरे पास एक बहन होनी चाहिए, तो वो सैड हो जाती थी और वह कहती थी कि बेटा तुम्हारी बहन होती तो शायद वो तुम्हें बहुत खुश रखती, मतलब वो आपको मिस करती थी, बट मैं पागल कभी समझ ही नहीं पाती, मुझे कब कहाँ पता था कि मेरी कोई बहन है, आई ना वो मान जाएंगी। तो कहती लेकिन वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों है, मैंने क्या किया है। तो कहती कि छोड़ो ना बड़े हैं उनकी बातों को क्या बुरा मानना। तो मेरा कहती नहीं बुरा नहीं मान रही, बस ये सोच रही हूँ कि कब वो मुझे प्यार करेंगी जैसे तुम्हें प्यार करती हैं,
तो कहती अरे करेंगी ज़रूर करेंगे, आप टेंशन ना लो। तो अम्मी हंसती है, कहती अरे लड़की टेंशन लेती नहीं, लड़की टेंशन देती है, पूरे ऑफिस का साम सुखा रखा है तुम्हें तो पता ही होगा, और सोया पे तो ऐसे ऑर्डर करती है, अगर तुमने ये कॉन्टेक्ट से नहीं किया था मैं तुम्हें फायर कर दूँगी। बेचारी तो बहन बच जाती है, तो मेरा हंसने लग जाती है, कहती अरे नहीं वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी फेवरेट है, तभी तो मैं उस पर ऐसी हरकतें करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बुरा नहीं मानती। तो सानिया हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा वैसे सोया मुझे भी बहुत पसंद है। तो अपनी कहती है ओहो अच्छा जी बहुत पसंद है तुम्हें, तो कहती हाँ हाँ मतलब मीटिंग की अच्छी हेलो हाय थी पूरी ऑफिस में सिर्फ उसी के साथ। तो अपनी कहती ओहो अच्छा अच्छा अच्छी बात है। तो मेरा ऐसे अपने को देख रही होती है, कहती क्या तुम अच्छा अच्छा लगा ही बैठे हो, क्या बात हुई? अपनी कहती नहीं कुछ नहीं। तो सानिया जो होती है वो थोड़ा शाय फील कर रही होती है। तो अपनी कहती वैसे मैंने भी कुछ सुना था तुम्हारे और जोया के बारे में, आई मीन तब तो मुझे नहीं पता था ना तुम कौन हो, लेकिन मैंने सुना था कि जोया एक लड़की के साथ काफ़ी अटैच्ड है, ऑफिस के बाहर भी उसके साथ मिलना जुलना है, यहाँ तक कि वो दोनों डिनर पे भी जाते रहे हैं 2-3 बार साथ में, तुम ही थी ना वो लड़की है ना? तो सानिया कहती नहीं मैं इतनी भी अटैच नहीं होती किसी के साथ, और नानू बुला रही है शायद मैं आती हूँ। तो सानिया से कहीं घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, तो उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। मीरा कहती क्या हुआ? अपनी कहती अरे बुद्धू ये लाइक करती है जोया को। मीरा कहती क्या कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अपनी कहती तुम दोनों बहनें सेम हो, तुम दोनों की पसंद भी मिलती जुलती है, तुम्हें भी गर्ल्स में इंटरेस्ट है और उसे भी, तुम्हें भी वही खाना पसंद है जो उसे पसंद है। मेरा कहती थैंक गॉड गर्ल्स में उसे मेरी ही वाली बंदी पसंद नहीं आई, वरना मेरा क्या होता। तो अपनी हंसी कहती अच्छा जी तुम्हें अपने जान के लाले पड़ गए हो। कहते हाँ तो भाई मेरी प्यार को छोड़ के किसी और के साथ प्यार कर ले, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे कोई इशू नहीं है। उन्हें कहती अच्छा जी वैसे मैं सोच रही हूँ जब से हम यहाँ इंडिया में आए हैं तो मुझे टाइम ही नहीं देती, हाँ बदल गए यहाँ आने के बाद, मुझे प्यार ही नहीं करती। मीरा कहती अच्छा मैं तो चाह रही हूँ ना कि मैं तुम्हें प्यार करूँ ना जान, पर तुम ही हो जो मुझे टाइम देती। अम्मी कहती वाह बेटा ये सही है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, बिल्कुल सही बात की है तुमने। मीरा कहती वैसे देखा जाए तो नानू भी सो गई हैं और सानिया भी सोने चली गई है, तो हम भी चले। अम्मी कहती कहाँ? मीरा कहती सोने। अम्मी कहती हम देखो नहीं। तो मीरा कहती अरे क्यों सारी रात यहाँ जागने है क्या, भूत बनने का इरादा है तुम्हारा? तो हमने कहती देखो रूम में जाऊँगी तो तुम फिर हम समझ रहे हो। मीरा कहती ये क्या होता है? हमने कहती अच्छा ठीक है भाई चलते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। तो दोनों जो होते हैं अभी पास में एक रूम होता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो अम्मी जो होती है वह रूम में जाके ऐसे लेट जाती है, कहती आज तो बहुत थक गई मैं। मीरा कहती हाँ थक तो मैं भी गई हूँ। अम्मी कहती ओह बॉडी में पेन हो रहा है। मीरा कहती अच्छा जी तो मैं दबा दूँ मेरी जान को हाँ। अम्मी कहती अरे नहीं। तो मीरा अब से बड़े प्यार से अपने के पास आके बैठते से और प्यार से उसके पाँव से दबा रही होती है। अम्मी कहती हाय कितना अच्छा लगता है ना तुम रोज़ ऐसे में पाँव दबाया करो ना। मीरा कहती शर्म तो आती नहीं है, ये नहीं कि जान मत दबाओ दबा दिया करो रोज़। अम्मी कहती हाँ तो जानो मेरी हक बनता है भाई चलो अच्छे से दबाओ। तो मीरा हंसने लग जाती है और कहती अच्छा जी हक तो ऐसे और भी बहुत सारा बनता है ना। तो ऐसे पाँव दबाते दबाते ऐसे ऊपर आने लग जाती है और अपनी की टमी से ऐसे उसकी शर्ट ऐसे ऊपर करके ना ऐसे उसकी टमी ऐसे 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 गोल गोल हाथ फेर रही होती है और फिर ऐसे उसकी टमी पर ऐसे करके किस कर लेती है। तो हमने कहती देखो मैंने पाँव दबाने का कहा है ये सब करने का नहीं, चलो हटा सोने तो मुझे। मीरा कहती अरे मेरा पाँव दबाने का हक बनता है ना जान, तो ऐसे प्यार करने का भी बनता है ना। हमने कहती हाँ बनता तो है लेकिन आज बिल्कुल नहीं। मीरा कहती अरे देखो यार मेरी बहन मिली यार मैं इतनी खुश हूँ तो थोड़ा प्यार तो बनता है ना। अम्मी कहती हाँ तो जाओ प्यार बहन के साथ बनाओ ओके मेरे साथ नहीं। मेरा कहती शर्म नहीं आती अब बहन के साथ मैं ऐसा प्यार कैसे कर सकती हूँ। अम्मी कहती अरे मेरा मतलब बहन वाला प्यार करो उसे। मीरा कहती अरे वो सो गई है ना तो मेरा मन कर रहा था कि मुझे इतना सारा प्यार आ रहा है करने दो ना। तो हमने हंसने लग जाती है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वैसे हमने की टमी पर से इतनी सारी किसेस कर रही होती है और फिर अपनी किसी ऊपर आ जाती है और ऐसे उसकी शर्ट ऐसे थोड़ी थोड़ी ऊपर करती रहती है। तो हमने कहती अरे मत करो ना। मीरा कहती चुप गंदी
तो मीरा से क्योंकि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो मम्मी जो होती है ऐसे मीरा के बालों में ऐसे हाथ फेर रही होती है। तो मीरा कहती देखो तो मुझे खुद मजबूर करियो कि मैं ढेर सारा प्यार करूँगी, मुझे मत बोलना। तो मम्मी बोलती है हाँ तो बोलो ना जान, करो ना, हमारा हक बनता है ना। मीरा कहती हाय क्यूट लगती है ना जब तुम ऐसे बोलती हो, तो कहते खा जाओ तुम्हें, ऐसे बोल के मम्मी को फिर से किस करने लग जाती है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी किस करते 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 ऐसे उसकी लिप्स पे आ जाती है, ऐसे उसकी लिप्स पे ढेर सारी किसेस करती है और ऐसे बाइट कर लेती हैं। तो अपनी जो होती है गंदी इतने ज़ोर से बाइट मत करो, मेरी लगती आराम से यार कुछ सुन लेगा। अपनी कहती ओ मैं तो भूल गई थी, अब तो यहाँ नानू और सानिया भी है ना सॉरी माइंड से निकल गया था कि तभी सानिया जो होती है वैसे रूम में अंदर एंटर होती है तो मेरा ऐसे पीछे हो जाती है। तो सानिया कहती क्या हुआ क्या हुआ, कुछ चिल्ला रहा था क्या? तो मेरा कहती नहीं कोई कोई भी नहीं चिल्ला रहा था। तो कहती अरे नहीं मैंने सुना कुछ चिल्ला रहा था। मेरा कहती इधर आओ। तो वैसे सानिया मेरा के पास आती है तो मेरा कहती क्या हुआ सोई नहीं अभी तक? सानिया कहती वो सच कहूँ तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। मेरा कहती मुझे भी नहीं आ रही। अपने कहती अच्छा मीरा जी आपको खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद कोई और बात है। सानिया कहती क्या मतलब क्या हुआ था? मीरा कहती अरे कुछ नहीं है ऐसे बोलती रहती है, नींद नहीं आ रही तो इधर ही सो जाओ मेरे साथ। सानिया कहती क्या मैं सच में सो सकती हूँ आपके साथ? मीरा कहती हाँ क्यों नहीं आ जाओ। तो सानिया जो होती है वो मीरा और अमनी के बेड में आके सो जाती है। तो सानिया कहती है कि बहुत वेयर्ड लगता है यार मुझे। मीरा कहती अरे रिलैक्स बहन हो तो मैं भी सो सकती हूँ मेरे साथ। तो उसके बाद सानिया जो होती है कहती बुरा ना मानो तो मैं ऐसे पाँव पर उठा लूँ, मेरी आदत है मैं नानों को भी ऐसे पाँव पर उठा के सोती हूँ। तो मीरा कहती है हाँ हाँ उठा लो। तो सानिया जो होती है ऐसे मीरा के वैसे पाँव उठा के ऐसे टमे में हाथ डाल के लेटी होती है। तो मीरा से बड़े प्यार से सानिया को देख रही होती है और कहती है कि काश हम बचपन से साथ होते ना, कितनी मस्ती करते, हाय इतनी लड़ाई करते, इतना साथ में खेलते, अब तो मैंने बहुत मिस किया। मैं भी सोचती थी काश मेरे कोई बहन भाई होता, मेरे तो कोई फ्रेंड भी नहीं था बचपन में। सानिया कहती मैंने भी बहुत मिस किया बचपन में, पता नहीं क्यों, काश मम्मा पापा के बीच में ऐसा ना होता तो हम साथ होते ना। तो सानिया कहती है कि सच कहूँ तो मुझे पापा से बहुत नफरत है, मैं उन्हें कभी नहीं देखूँगी ना उनसे कभी मिलूँगी। तो मीरा कहती मुझे भी बहुत नफरत है। सानिया कहती फिर आप कैसे उनके साथ एक घर में रह लेते हो? मीरा कहती बहुत मुश्किल है उन्हें बर्दाश्त करना, ऐसे लगता है कि जैसे पिंजरे में कैद हो इंसान, बट क्या करे मजबूरी है, उनकी पहुँच ही यहाँ है कि मैं उनसे कहीं दूर भाग ही नहीं सकती। तो सानिया कहती हाँ वैसे ये भी है, आज आज अच्छा दिन है ना, हम बहनें मिले तो आज ऐसी गंदी बातें नहीं करते। तो मीरा कहती ओके। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और अम्मी को काफ़ी जल्दी सी हो रही होती है क्योंकि अम्मी मीरा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो खुश होती है सानिया को लेके, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि सानिया ऐसे उनके बीच में आके लेट गया और मीरा उसे एकदम इग्नोर करिए बस सानिया के साथ लगी हुई है। यार देखा जाए तो मीरा भी गलत नहीं थी, इतने टाइम बाद जो उसकी बहन मिली है तो उसके साथ तो बातें करेगी ना। और हमने गुस्से के मारे से ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ के सो जाती है और मीरा ऐसे ही सारा सानिया से बातें करती रहती है। और जब सानिया सो जाती है तो मीरा ऐसे अम्मी की तरफ देखती है और कहती अम्मी क्या तुम जाग रही हो? अम्मी कहती नहीं सो गई हूँ मैं, जैसे गुस्से में बोलती मेरी कहती बाप रे बाप माहौल बहुत गर्म है बाबा, ऐसे बोल के ऐसे सानिया का हाथ ऐसे टमी से हटा के टाँग नीचे करके आराम से उठती है और ऐसे अम्मी के सर सहना के खड़ी होती जान उठो ना मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो सानिया की तरफ देख के कहती है अम्मी जाओ अपनी बहन के साथ सो, मेरे साथ सोने की गुजर नहीं। मेरे कहती बाबू प्लीज़ ना गुस्सा हो मुझसे। अम्मी कहती नहीं 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 मैं क्यों कि गुस्सा, जाओ यहाँ से। मीरा कहती अच्छा थोड़ा सा उधर हो ना मुझे थोड़ा सा सोने दो। कहती कहाँ उधर हूँ सानिया सोई है मिड में। मीरा कहती अच्छा कोई नहीं इसका भी जुगाड़ है मेरे पास ना। मीरा ऐसे कह कैसे इसके सॉरी अपने के ऊपर आगे लेट जाती है। अपने कहती अरे हटो मेरे ऊपर से मोटी कहीं की उतरो। मीरा कहती हाँ मुझे मोटी बोलते हुए शर्म नहीं आती अपने जानों को मोटू बोलते हुए। अपने कहती तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे इग्नोर करते हुए? मीरा कहती अरे जान वो सॉरी इतने टाइम बाद बहन मिल गया ना तो उससे कुछ बातें करने की जगह आई एम रियली सॉरी। अपने कहती हाँ तो किसने बोला बहन से बातें मत करो, मैं तो खुश हूँ ना तुम्हें लेके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ, बहुत गंदी हो। अब देखना मैं भी तुम एकदम इग्नोर दूँगी, बिल्कुल भाव नहीं करूँगी, जैसे तुमने मुझे भाव नहीं दिया मैं भी दूँगी। मीरा कहती जाओ प्लीज़ अच्छा शीशा आहिस्ता बोलो ना उठ जाएगी वो। अपने कहती मुझे दम मत करो हट जाओ यहाँ से धक्का दे दूँगी तुम्हें। मीरा कहती अच्छा जानू को धक्का दूँगी चलो देख के दिखाओ। अपने कहती मैं बहुत गुस्से में मैं सख्त में तुम्हें गिरा दूँगी। तो मीरा कहती हाँ तो गिराओ ना।
तो अम्मी जो होती है वो तो फिसा फुल गुस्से में होती है, बस जोर जैसे मीरा को धक्का देती है। तो मीरा जो होती है उड़ के बैठ के नीचे से गिरते हुए, अरे बाप रे बाप टूट गई मेरी कमर। तो अम्मी ऐसे उठती है कहती, अरे सॉरी 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 सॉरी। तो तभी सानिया उठती है कहती, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मीरा ठीक हो तुम? मीरा कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। बाप रे बाप मेरी कमर। तो अपने फ़ौरन से भाग के आती है, मीरा को ऐसे उठा रही होती कहती, मैम सॉरी जान तुम ठीक तो हो ना? मीरा कहती, जान की बच्ची अच्छा तरीका था मुझे मारने का। हाँ तो सानिया से देखती कहती, हुआ क्या है, बेड से कैसे गिर गई? तो मीरा कहती, पता नहीं आँख लग गई थी नींद में शायद गिर गई। कहती, एक सेकेंड अब तो यहाँ मेरे पास हुई थी ना, तो उस साइड पर कैसे गिरी, ये कैसे हुआ? मीरा कहती, वो मैं उठी थी वॉशरूम वॉशरूम जाने के लिए ना, अंधेरा था तो पाँव टकरा गया बेड से और मैं नीचे गिर गई। सानिया कहती, ओह अच्छा। तो मीरा ऐसे सानिया की तरफ देखते हुए फिर बेड पे बैठते हुए कहती, मेरी कमर। तो सानिया कहती, एक सेकेंड बट वॉशरूम तो उस साइड पे है ना? मीरा कहती, अरे कितने सवाल पूछते हो यार, देखो अभी अभी घर में शिफ्ट हुआ है ना, मुझे याद नहीं था मेरे घर का वॉशरूम तो उस साइड पे था ना रूम का, इसलिए वही समझ कर जा रही थी। तुम भी ना, एक तो मेरी कमर टूट गई ऊपर से तुम्हारे सवाल नहीं खत्म हो रहे। अपनी बहुत हंस रही होती मीरा कहती, तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। अपने कहती, हाँ अच्छा चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मीरा ऐसे अपने का हाथ पकड़ती कहती, क्या सच में जा रही हूँ? अपने कहती, खुद ही तो बोला। मीरा कहती, बहुत गंदी हो तुम। तो अपनी हंसी कहती, आती हूँ। तो अपनी ऐसे करके बाहर जाती है, इधर उधर देखती है तो उसे क्रीम मिलती है ना, वो उठा के आती है कहती, अच्छा उल्टे हो जाओ मैं लगाती हूँ। मीरा कहती, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी तुमसे। तो सानिया कहती, अच्छा ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो सानिया ऐसे कहकर ट्यूब ले लेती है। तो अपने उसे गुस्से से मीरा की तरफ देख रही होती है, बट मीरा अपनी बहन को कुछ भी नहीं बोलती। तो सानिया ऐसे अप्लाई कर रही होती है बैक पे क्रीम, तो अपनी गुस्से में देख रही होती है और गुस्से से जाके दूसरी साइड पर जाके सो जाती है। तो अपनी जो होती है वो मीरा की तरफ फिर से टर्न नहीं होती है और एकदम गुस्से से लाल लाल। तो मीरा ऐसे कान की तरफ हाथ लगाती है और इसकी सॉरी ना, तो हमने ऐसे कहती हूँ। तो हमने ऐसे कह ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। तो मीरा जो होती है बेचारी सो ही नहीं पाती क्योंकि अमनी उससे नाराज़ होती है और वो अमनी को नाराज़ करके कैसे सो सकती थी बेचारी, सारी रात जागती है और अमनी फिर सो जाती है। तो मीरा जो होती है वैसे उठ के बैठ होती है कहती, जान उठो ना जान। तो अमनी तो कुंभकर्ण की औलाद उठने का नाम ही ले रही होती है, लेकिन सानिया उठ जाती है कहती, क्या हुआ? तो कहती, अरे यार किसको उठाना होता, कौन उठ जाता, कुछ नहीं हुआ सो जाओ तुम। सानिया कहती, नहीं मुझे बस सो गया मैं इतना ही सोती हूँ। कहती, अभी तो रात है क्या हो गया सो जाओ। कहती, अरे नहीं। तो सानिया कह के अपने मोबाइल देखती कहती, नहीं सुबह के 5 बज के मेरी आदत है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं जाती हूँ नानों को भी उठाती हूँ, उन्हें मेडिसिन देनी होती है ना। तो मीरा कहती, क्या सुबह के 7 बज के? मुझे लगा अभी रात है। वो कहती, लगता है अब अभी तक नींद में हो। मीरा कहती, क्या खाक नींद में, सारी रात नहीं सोई मैं। सानिया कहती, क्या मतलब? मीरा कहती, अरे नहीं कुछ नहीं, कुछ ही रहा, बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। तो सानिया कहती, अच्छा ठीक है। तो सानिया वहाँ से चली जाती है और मीरा जो होती है वो अमनी के पास आके ऐसे हक करके से लेट जाती है और अमनी में ऐसी नींद के मारे ऐसी मीरा के ऊपर से टांग उठा के हक करके लेटी होती है। मीरा कहती, हाय अब मिला ना सुकून, अब आई ना मुझे अच्छे से नींद। तो मीरा ऐसे कहकर आँखें बंद करती है और थोड़ी देर में टर्न हो जाती है। तो अमनी जो होती है उसकी आँख खुल जाती है, थोड़ी देर बाद देखती है कि मीरा ने ऐसे उसे टायरली हक करके सो रखा है। तो कहती, अरे मीरा छोड़ो मुझे छोड़ो। तो कहती, सोने दो ना नींद आ रही है। तो उन्हें से मेरा एक तरफ देख के हंसते कहती, नौटंकी जानो आई लव यू, सॉरी कल रात के लिए बात नहीं करी ना तुमसे और तुम्हारी कमर पे भी लगा दी, सॉरी ना। मेरा कहती, इट्स ओके सोने दो ना। तुमने कहती, अच्छा ठीक है सो जाओ मुझे जाना है। तुमने इसके के उठने की कोशिश कर दिया। तो मेरा और टाइट लिया करती कहती, नहीं जब तक मुझे सोना है इधर ही सो मेरे पास, मैं नहीं सोना वरना। हमने कहती, अरे जान क्या बच्चों की तरह हिद कर रही हो? हाँ अरे न्यू घर है ना तो उठना होगा ना, चीज़ें देखनी होगी, कुछ खाने का है या नहीं या कुछ मंगवाना। मीरा कहती, हमने कहती, अच्छा ठीक ठीक है जान इधर ही हूँ हाँ सो जाओ मेरा गंदा से बच्चा, गुड नाइट। तो अपनी ऐसे कि मीरा को किस करती है और वो भी साथ में सो जाती है। तो दोनों जो होते हैं ऐसे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आके सो रहे होते हैं। तो मीरा की नाना जो होती है वो कहती है सानिया को कि कहाँ है तुम्हारी वो बहन, अभी तक उठी नहीं? तो कहती है, अरे नहीं वो सो रही है। कहती है, अच्छा वो उसकी दोस्त जो है उसके आगे पीछे घूमती रहती है वो? तो कहती है, वो भी अभी तक सो रही है। तो उसकी नानों कहती है, जाओ उठा दो उसे। सानिया कहती है, अरे नहीं नानो प्लीज़ उन्हें सोने दो ना, वैसे भी वो रात भर ठीक से सोई नहीं, हम बातें कर रहे थे ना।
तो उसकी नानू कहती है अच्छा बातें तो तुम भी कर रही होती। उसके साथ वो तो नहीं उठी, तुम तो उठ गई ना सुबह सुबह। सानिया कहती क्या नानू आप भी सोने दो उन्हें। उसकी नानू कहती नहीं उसे उठना होगा, रोल किसी के लिए नहीं बदलूंगी मैं। तो ऐसे बोल के उसकी नानू जाती है मीरा को उठाने के लिए। अब वो देखती है कैसे दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और ऐसे एकदम एक दूसरे के बीच में घुस के सो रही हैं। तो उसकी नानू कहती हाँ हाँ देखो तो सही लड़कियों को कैसे एक दूसरे के बीच में घुसी हुई हैं, ऐसे तो कोई हस्बैंड वाइफ भी नहीं सोते जैसे ये सो रहे हैं। तो तभी वहाँ पे सानिया आती है, कहती क्या नानू मना किया था ना नहीं उठाना इन्हें। तो कहती देखो तुझे कैसे एक दूसरे के अंदर घुस के सो रहा है, ये कैसा तरीका सोने का। तो सानिया कहती हाँ तो क्या हो गया, मैं भी रात को दी के साथ ऐसे सो रही थी ना, मैं आपको भी तो ऐसे सो ढक करके सोती हूँ, फिर क्या बात होगी। तो कहती हाँ मैं तुम्हारा नानू तो मेरे साथ सो सकती हूँ लेकिन ये उसकी नानू थोड़ी है। सानिया कहती क्या नानू आप चले चुप जाए यहाँ से। जैसे नानू को हाथ पकड़ के बाहर लेके जाती है लेकिन नानू को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, वो बार बार यही सोच रही होती है कि क्यों एक दूसरे के साथ इतना चिपक के सो रही है। और वहाँ तभी मीरा जो होती है उसकी आँख खुलती हुई होती और नेक में इतना पेन क्यों हो रहा है, ऐसे क्या क्यों होते हैं। तो तभी हमने भी उठ जाती है वैसे पीछे होने लगती है। तो मीरा से हमने की अपने हाथ डाल के उसे फिर से हग करते कहती आज ही लेट रहो थोड़ी देर। हमने कहती कोच जाती है मुझे अच्छे से याद है तुमने कल मेरे साथ क्या बिहेव किया था, मैंने सोना मारा था तो इतने दो मुझे। मीरा कहती क्या बिहेव किया था जान, कुछ भी तो नहीं किया था मैंने तो उसे प्यार किया था ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे क्या क्या किस करी होती है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहती मुझे कोई किस विस करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है भाई, वैसे सबके साथ इग्नोर करती हो मुझे सबके सामने, और अकेले में मुझे किस करने याद आता हटो। तो मेरा कहती अच्छा सबके सामने करूँ, कहो तो अभी कर देती हूँ। हाँ कहाँ करूँ, यहाँ पे लिप्स पे, हाँ इन पैर पर लिप्स पे, ऐसे 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 करके किस करूँ। तो ऐसे कह के किस करी होती है। हमने कहती तुम ना बताने के बहाने ज़्यादा मुझे किस विस मत करो हटो। तो मीरा ऐसे हमने कह दिया अच्छा ना प्लीज़ जान सॉरी ना। तो हमने ऐसे मीरा को पीछे की तरफ पुश कर दिया और उठ जाती है। मेरे कहती मार डाला मेरी कमर। हमने कहती क्या हुआ क्या हुआ। मेरा कहती तुम ना कसम से मेरी कमर की दुश्मन हो, तुम चाहते ही नहीं हो ना मेरी कमर में सुकून आए है ना, इसलिए बार बार मेरी कमर दुखाती रहती हूँ। तो हमने कहती सॉरी 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 मैं भूल गई थी तुम्हें लगी थी रात में, रुको मैं क्रीम लगा देती हूँ। तब ने ऐसे कह के उठ के क्रीम उठा दिया। तो मीरा ऐसे उल्टा हो गया लेट जाती है, कहती जल्दी लगाओ ना दर्द हो रहा है। हमने कहती अच्छा अच्छा लगा रही हूँ। तो हमने ऐसे शर्ट पीछे से ऊपर उठा देती है और ऐसे ही मीरा के बैग पे से हल्की हल्की क्रीम लगा रही होती है। हमने कहती हमने कहती ये तुम ऐसी आवाज़ें मैं निकालो कि मीरा कहती अरे पागल दर्द हो रहा है ना। हमने कहती मैं ना तुम्हारी वो अच्छे से समझती हूँ, ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हाँ हमने ऐसे फ़ौरन से ट्यूब लगा के शर्ट कर देती है नीचे। तो मीरा कहती तुम ना सच में बहुत गंदी हो। हमने कहती थैंक यू तुमसे ही सीखा है गंदे कैसे बनते हैं आप बाय। तो हमने ऐसे कह के फ्रेश होने चल जाती है। तो मीरा बैठ के हंस रही होती है कहती अब जानू को भी मनाना होगा, उफ मैं नन्नी सी जान किस किस को मनाऊँ, नानू को भी मनाना है अपनी जानू को भी मनाना है, उफ कहाँ जाऊँ मैं। तो ऐसी सोच रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड ना जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो वीडियो को लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।